हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में, जिसका टॉपिक होने वाला है कि स्टार्टअप होता क्या है। अब मैंने दो तीन वीडियो ऑलरेडी बना के रखी है स्टार्टअप के ऊपर, बट उसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन आया कि स्टार्टअप का मतलब ही नहीं पता है। सो आज का वीडियो डेडिकेट होने वाला है कि स्टार्टअप कहते किस है और स्टार्टअप में होता क्या है। तो A to Z मैं आपको समझाने वाला हूँ आज के वीडियो में, तो वीडियो लास्ट तक जरूर से देखिए। अब स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो की। तो इसमें मैं थोड़ी सी मैंने काफी ज्यादा डेफिनेशन ले ली है, तो सबसे पहले मैं आपको फटाफट से ये बेसिक सिखा देता हूँ कि स्टार्टअप जो होता है ना, वो कोई भी कंपनी का इनिशियल स्टेज होता है, कोई भी बिजनेस का इनिशियल स्टेज होता है। ठीक है, अब कोई भी कंपनी मान लीजिए कि वो जब भी वो आपके सामने बड़ी बड़ी नाम कमा लेती है, कोई भी बड़ा ब्रांड बन जाती है, बट उसकी स्टार्टिंग तो काफी छोटी जगह से होती है। उसमें सक्सेस होके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो काफी बड़ी कंपनी बनती है। तो स्टार्टअप यही होता है कि कोई भी बिजनेस और कोई भी कंपनी का जो इनिशियल स्टेज होता है उसको बोलते हैं स्टार्टअप। अब उसके सामने यहाँ पे क्या होता है कि उसका फाइनेंस होता है ना, वो काफी वीक होता है, और उसके बाद फाउंडर्स जो होते हैं ना, वो नॉर्मली उसके फाइनेंस देखते हैं स्टार्टअप के लिए, और काफी सारे जगह पे बाहर जाके इन्वेस्टमेंट भी मांगते हैं ऑफ ग्राउंड पे। अब यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जब भी आपका स्टार्टअप काफी इनिशियल स्टेज में होता है, तब उसके फाउंडर जो होते हैं, यानी कि दो तीन लोगों ने जितने लोगों ने ये स्टार्टअप स्टार्ट किया होता है, उसके बाद फाइनेंस नहीं होता है, पैसे नहीं होते, फंडिंग्स नहीं होती, तो वो बाहर से भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लाते हैं स्टार्टअप चलाने के लिए। ठीक है, अब फंडिंग में क्या हो गया कि फंडिंग में कहाँ कहाँ से आती है कि मान लीजिए कि आपने अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करना है, तो फिर आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे, तो आप पहले अपनी जेब में से निकालोगे। ठीक है, अगर उसमें एक्स्ट्रा चाहिए तो फिर आप अपनी फैमिली से मांग सकते हो, अपने पेरेंट्स से। अगर वो भी कम पढ़ पाते हो तो फिर आप फैमिली के जो रिलेटिव्स होते हैं उसके पास से मांगते हैं। ठीक है, अगर उसमें भी आपको ज्यादा चाहिए तो वेंटर कैपिटलाइजेशन है, वेंटर कैपिटलिस्ट है, आप वहां पर जाते हो। अगर वो भी कम पड़ता है तो फिर आप क्राउड फंडिंग में से लेते हो, और या फिर आप एट दी एंड लोन ले सकते हो अपने स्टार्टअप को चलाने के लिए। ठीक है, अब स्टार्टअप में क्या होता है कि मस्ट ऑल्सो कंसिडर वेर देर विल बी डू द बिजनेस एंड द लीगल स्ट्रक्चर। अब ये थोड़ा सा आगे का स्टेप है, तो यहाँ पे मैं आपको ये समझाना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, स्टार्टअप कम्स विद हाई रिस्क एंड फेलियर इज वेरी पॉसिबल, बट दे कैन ऑल्सो बी वेरी यूनिक प्लेस टू बी वर्क विद ग्रेट बेनिफिट, अ फोकस ऑन इनोवेशन एंड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न। अब ये लास्ट में मैंने पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग लगा है, सबसे पहले तो मैं आपको इरेज करके सबसे पहले ये लास्ट में मैं समझाना क्या चाहता हूँ वो देखिए। सबसे पहले तो स्टार्टअप में जो फेलियर का रिस्क है वो सबसे ज्यादा होता है स्टार्टअप में, क्योंकि ये आप मान लीजिए कि आपने सेकेंड ईयर में अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया और थर्ड ईयर में आपने अपना पूरा का पूरा मन वहां से उठ गया कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें कुछ हो नहीं रहा है, प्रॉफिट कुछ हो नहीं रहा है, कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा है वेबसाइट के ऊपर, तो फिर आपको छोड़ने का भी मन होता है। तो स्टार्टअप में जो फेलियर होता है उसका पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा होता है, बट एट द यूनिक प्लेस आपको काफी सारे बेनिफिट मिलते हैं, आपको काफी सारे उसमें एडवांटेजेस मिलते हैं, और आप कुछ नया इनोवेशन करके काफी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी कमा सकते हो। तो ये होता है स्टार्टअप का पॉजिटिवनेस। फेलियर तो मैंने बता दिया, बट अगर आपका स्टार्टअप काम कर जाए तो आपकी पूरी लाइफ बन गई। आप प्लेसमेंट में भी 12-13 लाख लोगे, बट अगर आपका स्टार्टअप सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो गया तो आप फोर्थ ईयर में आप उसे कहीं पर भी पहुंचा सकते हो। आप सिर्फ बोट जो कंपनी है जिसके फाउंडर है अमन गुप्ता, शार्क टैंक इंडिया पे आपने देखा होगा, 2016 से लेके आज बोट बिलियन तक पहुंच चुकी है। तो ये होता है कुछ लक, ये होता है कुछ अच्छा स्टार्टअप। ये तो काफी यूनिक एग्जाम्पल होते हैं, ऐसा हर बार नहीं होता है, बट हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं 5 key characteristic ऑफ अ स्टार्टअप। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि आप ग्रोथ के ऊपर देखते हो कि आपका स्टार्टअप ग्रोथ कैसे करेगा। ठीक है, दूसरा बात होता है कि मोर देन 1%। अब स्टार्टअप काफी छोटे छोटे लोगों से स्टार्ट होता है, 2-3 बंदों से स्टार्ट होता है, और उसमें ज्यादातर 500 से कम एम्प्लॉई होते हैं। मैंने जैसे ऑलरेडी बताया कि काफी छोटे लोग से ही स्टार्टअप स्टार्ट होता है। ठीक है, अब इसमें ज्यादातर आप टेक्नोलॉजी के साथ ही वर्क करते हो। अब मैंने मेरी एक शॉर्ट्स की वीडियो में भी बोला था कि अगर आपने शार्क टैंक इंडिया नहीं देखा तो आप वो जरूर से देखना। तो अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि 10 में से 5 स्टार्टअप ऐसे होते हैं कि जो अपने स्टार्टअप के साथ टेक्नोलॉजी का भी यूज करते हैं, यानी कि उसकी एक वेबसाइट होगी, वहां से आप उसको ऑर्डर कर सकते हो, आप खरीद सकते हो, आप बुक रीड कर सकते हो, मतलब टेक्नोलॉजी का भी यूज होता है। और 5th characteristic है इनोवेशन, कुछ नया कुछ यूनिक सा आप स्टार्ट करते हो। तो दिस आर द 5 key characteristic ऑफ अ स्टार्टअप। अब बात करते हैं इजी वर्ड में कि स्टार्टअप होता क्या। तो इजी वर्ड में मैं आपको समझा दूं कि कोई भी प्रॉब्लम का आप जब सोल्यूशन लेके आते हो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, सो दिस इज कॉल्ड द स्टार्टअप। ठीक है, सबसे पहले आपने कोई एक प्रॉब्लम फाइंड की, आपने ऊपर सोचा, और उसके बाद आपने उसका एक यूनिक सा सोल्यूशन बताया, तो दिस इज जस्ट स्टार्टअप।
बट ये सिर्फ होता है पेन और पेपर पे, आपको टेक्नोलॉजी के साथ वर्क करके कुछ नया इनोवेशन करना होगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रिस्पेक्टिव इंजीनियरिंग ब्रांच। अब मान लीजिए कि आप ईसी, आईटी, कंप्यूटर, सीएसई किसी भी ब्रांच में हो, आप अपने हिसाब से इंजीनियरिंग ब्रांच के हिसाब से अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हो। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो तो आजकल कंपनी या आजकल डिमांड में सबसे ज्यादा क्या है, ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो आप यहाँ पे भी अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। मतलब आपके पास काफी सारे थाउजेंड्स ऑफ आइडिया है कि जहां से आप अपना स्टार्टअप का आइडिया ढूंढ कर उस पर वर्क कर सकते हो। अब छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया शार्क टैंक इंडिया का, तो मोस्टली इसमें अगर आपने देखा होगा तो ज्यादातर जो स्टूडेंट्स थे वो बिट्स पिलानी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड IIM IIT से थे, और उसके बाद उसने काफी अच्छे से काफी बढ़िया टेक्नोलॉजी का इनोवेशन करके स्टार्टअप स्टार्ट किया है, ठीक है। अब लास्ट में मैं बिट्स पिलानी स्टूडेंट्स का जो वो एमई वाला था, छोटा बच्चा था कि जो वो काफी उसकी वो डिसेबल होते हैं उसके लिए जो डिवाइस बनाया था वो मेरा पर्सनल फेवरेट था, तो वो एक बेटर एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है स्टार्टअप आपको समझाने का। अगली बात कि आप स्टार्ट कैसे कर पाते हो। अब मान लीजिए कि आपने ठान लिया कि मुझे यही स्टार्टअप करना है, तो बट स्टार्ट कैसे करें, तो सबसे पहले तो आप प्रॉब्लम सोचिए, उसमें आसपास देखिए कि क्या क्या प्रॉब्लम है, आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो, उसमें आप कुछ भी ले सकते हो, मतलब आसपास में से कहीं पर भी वो प्रॉब्लम उठा के वहां पे आप उसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, ठीक है। फिर आप अपनी फैकल्टी से बात कीजिए, अपने एचओडी से बात कीजिए, अपने मेंटर से बात कीजिए, कोई भी टेक्निकल पर्सन से बात करे तो वो आपको समझा सकता है कि आपके स्टार्टअप में दिक्कत कहाँ कहाँ आ सकती है, ये आइडिया वर्क करेगा कि नहीं। तो ये होता है एक स्टार्ट करने का तरीका। सबसे पहले आप देखिए कि आपका स्टार्टअप है क्या, उसके बाद मान लीजिए कि मेरा स्टार्टअप है कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ हेल्थ के रिलेटेड, तो फिर आप हॉस्पिटल में मतलब वहां पे पीपल जो भी आसपास यूजर्स होंगे, पर्सन होंगे, उसके साथ बात कीजिए कि उसको किस तरह से प्रॉब्लम आती है और क्या उसका आंसर, उसका सोल्यूशन आपके स्टार्टअप में है। तो उसके बाद उस पर ऑब्जर्व कीजिए कि आपके आसपास में जो भी आपका स्टार्टअप का आइडिया है वो क्या रियली एप्लीकेबल है, उसके बाद उसका कोई अच्छा एक आंसर, एक सोल्यूशन क्रिएट कीजिए, और उसके बाद आप किसी मेंटर्स के साथ बात करके उसमें आप आगे कर सकते हो। उसके बाद क्या है कि उसका सॉल्यूशन क्रिएट कर गया हो गया तो फिर आप अपनी इंजीनियरिंग के ब्रांच के अकॉर्डिंग उसको क्रिएट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपका आइडिया टेक्नोलॉजी रिलेटेड है तो आप उसकी वेबसाइट, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर बना सकते हो। अगर आपका आइडिया मैकेनिकल से रिलेटेड है तो आप उसके लिए कोई अच्छा सा मशीन क्रिएट कर सकते हो, उसमें आप कोई भी छोटा सा डिवाइस, टूल, आप कुछ भी कर सकते हो, बट आपके पास कुछ अपना स्टार्टअप का यूनिक आइडिया होना चाहिए। अब बात करते हैं थोड़ा सा फंड्स के बारे में। तो ज्यादातर कॉलेज में फंडिंग आपकी कॉलेज ही प्रोवाइड करती है, कॉलेज में एक स्पेशल स्टार्टअप फंड होता है स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो जितने भी लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं वो वहां से फंडिंग ले सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और प्राइवेट फर्म भी है, तो ये सब लोग आपको स्टार्टअप में हेल्प करने के लिए रेडी हो सकते हैं, बट आपका एक ही कंडीशन होगा कि आपका आइडिया यूनिक होना चाहिए, तभी आपको कुछ अच्छा फंडिंग मिलेगा। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, अब सबसे पहले तो देखिए आपका प्लेसमेंट में वो आपको काफी अच्छा इंप्रेशन देगा। अगर आपका स्टार्टअप का आइडिया काफी अच्छा काम कर गया तो आप प्लेसमेंट में अपने रिज्यूमे में लिख सकते हो कि मेरे ये अचीवमेंट है, मैंने ये स्टार्टअप किया और ये स्टार्टअप का अभी इस स्टेज पे काम हो रहा है। उसके बाद अब मान लीजिए कि आपको अपना स्टार्टअप काफी अच्छा दिख गया, उसमें ग्रोथ काफी अच्छी मिली ड्यूरिंग द इंजीनियरिंग करिकुलम, तो फिर आप 4 साल के बाद छोटी सी कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हो। अब जिसमें उसमें जितना आपका एक्सपीरियंस होगा वो कंपनी उतनी ही आगे चलेगी, ठीक है। और उसके बाद आप कहीं पर भी इंटरव्यू दे, नो मैटर आप मास्टर्स के लिए दे रहे हो, आप फॉरेन कंट्री में काम करने के लिए दे रहे हो, आप कहां पे कहीं पे भी इंटरव्यू दीजिए, स्टार्टअप आपको डेफिनेटली वहां पे काम में आएगा ही आएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आज का जो नॉलेज था मैंने आपको स्टार्टअप के बारे में दिया वो आपने अच्छे से समझा और आपको पसंद आया हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग स्टार्टअप देन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।